बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट लुबना ज़हीर। नाज़रीन, हमारी पाक बहरिया दुनिया के दीगर 36 ममालिक की नेवीज के साथ मिलकर कुछ मुश्तरका अस्करी तरबियती मशकें आजकल कर रही हैं, और अमरीका, बरतानिया, रशिया, चाइना, सऊदी अरब, जापान जैसी ममालिक की जो नेवीज हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इन मुश्तरका मशकों का बुनियादी मकसद तो ये है कि पाक बहरिया के जवानों को तरबियत फराहम की जाए और उनको जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आगाह किया जाए और उनकी सलाहियतों को मजीद निखारा जाए। तो आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इन मुश्तरका मशकों की अहमियत क्या है और पाकिस्तान के लिए किस हद तक जरूरी हैं ये मशकें। दूसरी तरफ ये खबर बड़ी तशवीश के साथ सुनी जा रही है कि भारत ने कर्नाटक में एक खुफिया न्यूक्लियर सिटी कायम कर रखा है। इस एटमी शहर को कायम करके भारत क्या मकासद हासिल करना चाहता है, किन अजायम की तकमील चाहता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और ये भी कि भारत का जो जंगी जुनून है और जारहाना अजायम है वो कहां पे जाके रुकेंगे और खित्ते पर और खास तौर पर हमसाया ममालिक पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। बात करने के लिए बड़ा अच्छा इंटेलेक्चुअल पैनल हमारे साथ तशरीफ रखता है, आपसे तारुफ करवा देती हूँ। पीजे मीर साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफी हैं, मारूफ टीवी एंकर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब तशरीफ रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पोलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, सियासी तजियाकार हैं। एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब तशरीफ रखते हैं, आप दिफाई और सियासी तजियाकार हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कल्बे आबिद साहब तशरीफ रखते हैं, तारीख के प्रोफेसर हैं। एडमिरल साहब, आपसे अगर बात का आगाज करें, पाक बहरिया की ये जो मुश्तरका मशकें हो रही हैं, एक तो ये कि इनका बैकग्राउंड क्या है और इनके मकासद क्या हैं? देखिए, ये जो बहरी मशकें होती हैं किसी भी नेवी के लिए बहुत अहम होती हैं, बहरिया के लिए, ताकि वो प्रोफेशनल रह सके और अपनी प्रोफेशनल को वो मजीद बढ़ा सके। इसकी इब्तदाद अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो ये हुई थी जब हम सेंटो के मेंबर थे, तो सेंटो की मशकें हुआ करती थी जिसमें कि अमेरिका और नेटो कंट्रीज, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया, सारे लोग जो हैं इस खत्ते में वो एक्सरसाइज करते थे। उन एक्सरसाइज की वजह से हम जो हैं इस खत्ते की नेवीज में हमें एक एज हासिल हो गया, प्रोफेशनली भी और जो है वेपन वाइज भी। उसके बाद जब सेंटो खत्म हुई, जैसा कि डॉक्टर साहब को भी पता है, तो फिर हमने इसको जिंदा इस तरह रखा कि जो रीजनल नेवीज थी, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम नेवीज थी, और सऊदी अरेबिया था, मस्कत था, कतर था, बहरेन था, इनके साथ हमने अपनी मुश्तरका जंगी मशकें जारी रखी। फिर जब आपने देखा कि जब बहरी कोजाकी का थ्रेट बढ़ा इस रीजन में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया से बहरी जहाज जो है वो अगवा होने लगे, तो फिर लोगों ने, यानी कि इस रीजन की, चूंकि पाकिस्तान बहरिया एक प्रोफेशनल नेवी थी, तो हमने फिर जो है एंटी पायरेसी में एक जो है मिलके लोगों से, वेस्टर्न नेवी से मिलके हमने वो रोल अदा किया। अब ये जो है एंटी टेररिस्ट प्राइमरी एम है, कोऑपरेशन इन एंटी टेररिज्म एट सी एंड ऑल्सो अशोर, क्योंकि इसमें मरीन फोर्सेज भी हैं, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज किसी भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में होती है वो उस मुल्क की रिकग्निशन होती है। और उसका मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है और जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया है कि ना सिर्फ 37 मुल्कों के बहरी जहाज या उनके नुमाइंदे यहां हासिल हैं, बल्कि वो इस रीजन को इवन नॉट एट लैंड, इवन एट सी पीसफुल समझते हुए बहरी जहाज आते हैं। और इसी तरह मैं एक सिर्फ एक चीज का इजाफा करता हूं कि कराची में इन जहाजों का आना बजाते खुद, यहां तो क्रिकेट टीम तक नहीं आती ना, तो कराची शहर में जिसकी रेपुटेशन गया थी, आज इन तमाम नेवीज का इकट्ठा होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीस के हवाले। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, आप भी इसी पे तबसरा फरमाइए। जैसे एडमिरल साहब ने कहा कि कराची में आना दुनिया भर से जहाजों का, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तो ये कि हमारे जो बहरिया के जवान हैं उनकी तरबियत हो रही है, उनकी सलाहियतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन दुनिया भर को क्या पैगाम जाता है जब इस तरह की ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती हैं? और खासतौर पर ये हमारा हमसाया मुल्क कुछ अर्सा पहले ये कहता रहा है, दावा करता रहा है कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर देंगे, और अब हम देख रहे हैं कि अमरीका की, बरतानिया की, रशिया की, चाइना की नेवीज यहां पर आई हुई है। देखिए, बुनियादी एक तो मकसद ये भी है कि एक इमेज को बिल्ड करना, और बिल्कुल एडमिरल साहब ने सही कहा कि कराची के अंदर इस वक्त इतनी ज्यादा ममालिक की नेवी के लोग मौजूद हैं जो साहिल पे आते हैं, और उससे ये रिफ्लेक्ट होता है एतमाद
पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल लेवल पे चलता रहा है कि ये एक सेफ मुल्क नहीं है, महफूज जगह नहीं है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। एक टेररिज्म के हवाले से हिंदुस्तान भी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा है। तो एक तो इसका फायदा है इमेज बिल्डिंग का, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इमेज बिल्डिंग के अलावा जो मेरे नजदीक फायदा यही है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को एक हाई लेवल पे रखने के लिए जरूरी होता है कि इस किस्म की ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज दूसरी नेवीज के साथ करें, क्योंकि एक दूसरे से आप लर्न करते हैं और फोकस तो काउंटर टेररिज्म है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह अभी जिक्र हुआ एंटी पायरेसी के लिए भी कोऑपरेशन की जरूरत है। फिर हमने देखा है कि समुंदर इस्तेमाल होता है ह्यूमन स्मगलिंग के लिए, और उसके अलावा स्मगलिंग के दूसरे और कारोबार भी चलते रहते हैं। तो इन सब को मैनेज करने के लिए एक कोऑपरेटिव एफर्ट है जिसमें दुनिया के हर खित्ते की नेवी यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है, और इसलिए पाकिस्तान ना सिर्फ उनसे लर्न करेगा बल्कि उनको बताएगा भी काउंटर टेररिज्म के सिलसिले में, और उससे पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जो है वो जायल हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप भी फरमाइए, ये जो एक्टिविटीज हो रही है और खासतौर पर रशिया का जिक्र किया जा रहा है, और भारत में भी शायद एक पैगाम जा रहा होगा, वहां पे कहा गया कि रूटीन की एक्सरसाइज है, अगर रशिया की नेवी आ गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बताइए कि रशिया जैसे अहम मुल्क की नेवी का शामिल होना और बाकी अहम ममालिक की नेवीज का शामिल होना कितनी इम्पोर्टेंट चीज है? डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो डायनामिक्स है वो चेंज हो रहे हैं। मसलन ये कि आइडियोलॉजी और फिलॉसफी जो है उसको अगर आप देखा जाए, चेंजिंग आइडियोलॉजी चेंजिंग फिलॉसफी, तो बिग प्रोजेक्ट्स बिगर पिक्चर बिगर पर्सपेक्टिव, ठीक है, अब सीपैक की भी हम बात करेंगे लेकिन बाद में, कि जो चीजें हो गई हैं छोटी छोटी चीजें उनको छोड़ के बड़ी बड़ी चीजें करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये कनेक्टिविटी जैसे होता है, कनेक्ट द वर्ल्ड, ठीक है, इसी तरह रिलेशनशिप आपस में जो है होना, टूल्स टेक्नोलॉजी ट्रेनर्स का एक दूसरे को देखना, तो ये सिविलाइजेशनल इसको भी अगर ले जाए ना और आगे, कल्चरल और सिविलाइजेशनल जो कॉन्टेक्ट है इतने ज्यादा कि मसलन आप देखेंगे रशिया भी है, चाइना भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है ना जी, और 37 कंट्रीज जापान भी है। अब इसको अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप देखें तो जापान वो है जिसका चाइना के साथ झगड़ा है, ठीक है, आपको पता है। इसी तरह रशिया जो है, रशिया को ये ब्लेम किया जाता है कि वो मिडल ईस्ट में जो है वो ये जो अल असद की बशर अल असद को प्रोटेक्ट किया है तो गलत किया है। रशिया ईरान का एलाई है, वो बड़ी गलत पॉलिसी कर रहा है, ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये इसी तरह यूरोपियन यूनियन को देखें तो ब्रेक्सिट है वहां पे, तो अब पॉपुलिज्म है, रिसर्जेंस ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स है, तो ये सारी चीजों को अगर लाएं एक बिगर एज आई सेड बिगर पिक्चर में, तो ये एक कनेक्टिविटी मुहैया करती है, ठीक है। और इससे मैं समझता हूँ कि एक लेवल पे आके यूनाइटेड नेशन का काम भी आसान हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस जो है वो हम ब्लेम अक्सर करते हैं कि कश्मीर और पैलेस्टाइन का उसने नहीं हल किया और क्या कर रही है, क्लाइमेट चेंज जैसे मंसूबे हैं जिसमें कि कोऑपरेशन एक दूसरे को चाहिए है, तो जब एक जगह मिलेंगे गेटिंग टू नो इच अदर बेटर इन अ बेटर वे, तो एक तरह से एक बेस बन जाता है कि आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जैसे होता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए आर्बिट्रेशन करें, ठीक है, मीडिएशन करें, तो ये सारा इनको एक बड़े बहुत ज्यादा बड़े पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। बिल्कुल ठीक पीजे साहब, जैसे इन्होंने कहा पाकिस्तान की फतह है, सीपेक के साथ भी ये इशू रिलेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत तो बहुत ज्यादा है और सीपेक की वजह से ये अहमियत मजीद बढ़ जाएगी। तो ये बताइए कि ये जो मुश्तरका मशकें हो रही है नेवी की, इसको सीपेक से हम रिलेट कर सकते हैं, किस तरह से फायदा होगा हमें? देखें इस सब्जेक्ट पे तो हमारे पास एडमिरल जावेद इकबाल है हु इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू स्पीक ऑन इट, बट एज अ नॉवेस ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये हर जगह होती हैं, होती रहेंगी, और एक एसओपी है कि जब कोई मुल्क किसी एंगेजमेंट में नहीं है, वॉर एंगेजमेंट में नहीं है, तो वो अपनी अपने आप को प्रिपेयर्डनेस पे रखता है, ठीक है। ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं इसमें आपने देखा है जिस तरह आबिद साहब ने कहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स हैं,
अब सीपैक इसके अंदर एक गेम चेंजर है. वो सीपैक के अंदर ये देयर ऑल देयर दे विल अंडरस्टैंड द टेरेन, दे विल अंडरस्टैंड द ओशन, और उसके लिहाज से उनकी एक आप कह लो अवेयरनेस कह लो, एजुकेशन कह लो, और उनकी स्ट्रेटजी ऑफ एक्शन जो कि अगर तो सिचुएशन खराब होती है. वर्ल्ड इज अ डेवलपिंग स्टोरी. आज एक का दोस्त है, कल किसी का वो एडवर्सरी बन जाता है. तो इस लिहाज से आई थिंक पाकिस्तान का एक इट्स अ गुड एक्सरसाइज कि पाकिस्तान की नेवी जो है इसमें एंगेज हो, क्योंकि आप डेली तो वॉरफेयर नहीं करते हैं, ना हिंदुस्तान के साथ ना किसी और के साथ, बट द प्रिपेयर्डनेस फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर उस लिहाज से. एंड बाय फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू हमारी नेवी जितनी और आप कह लो कि अप टू द टाइम्स होगी सी पैक को, आई थिंक दैट विल बी हेल्पिंग द सी पैक फॉरवर्ड. वाई? किसके अंदर आप देखेंगे कि इंसर्जेंट्स भी आएंगे, इसके अंदर डिरेलमेंट के भी फैक्टर्स होंगे, इसके अंदर ऐसे भी फैक्टर्स होंगे कि इसको उड़ाओ, क्योंकि ये जब फुली आप कह लो कि ऑपरेशनल होगा, डोंट फॉरगेट कि आपके जो नेबर्स हैं इन द यूएई दे विल बी ट्रबल क्वाइट अ लॉट. सो आई थिंक ये जो एक एक्सरसाइज है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड मोर इन पर्टिकुलर पाकिस्तान, आई थिंक इट्स अ वेरी क्रूशियल आई थिंक आप इस सबको you know keep it up to the times. ठीक है एडमिन साहब, ये बताइए अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें तो पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश है? अभी कल परसों सरताज अजीज साहब ने भी बात की और खासतौर पर सरक्रीक बॉर्डर का भी हवाला दिया, इंडिया की तरफ से भी और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो क्या चैलेंजेस हमें दरपेश है? देखिए इस वक्त मैं याद दिला दूं कि ये वर्ल्ड वॉर टू से पहले इस रीजन का जो हेडमास्टर था वो यूके था, और जब वो एग्जिट कर गए ईस्ट ऑफ स्वेज से निकल गए तो फिर इस रीजन की थानेदारी जो है अमेरिका के पास चली गई. अब जो है जो जो नया सी पैक की वजह से आप देखिए कि चाइना एक तरफ पैसिफिक ओशन की पावर है और दूसरी तरफ इधर अरेबियन सी पे, और अगर अरेबियन सी का आप देखें तो इससे फनल शेप समुंदर यानी नीचे से ऊपर आता जाता है ऐसे, और जो वर्ल्ड 60-70% ऑयल रीजन का है, जापान का सारा तेल, यूरोप का और दूसरे जहां का, ये इस राह गुजर से होके जाता है, और ये इसी इसकी प्रोटेक्शन जो है वो रीजनल नेवी उसी उसमें जरूर इन्वॉल्व होंगी, और जो बड़ी पावर्स हैं वो उसकी सेफ्टी उनकी रिक्वायरमेंट है. और इसीलिए पाकिस्तान की अहमियत जो है इंशाल्लाह कभी कम नहीं होगी कि हम एक दरवाजा है. अगर ये दरवाजा नहीं खुलता है तो ये ऑपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, आफ्टर ऑल वी मस्ट एक्सेप्ट कि इंडिया जो है हमसे चार पांच साइज में बड़ा है, पांच गुना है, एंड अगर आप इंडिया को पाकिस्तान निकाल दें तो इट इज एज लार्ज एज रशिया माइनस यूरोप. तो ये जो एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है. लेकिन एक बात और मैं बताऊं कि ये जो इस किस्म की गेट टुगेदर होती है वो एक खैर सगाली का जज्बा भी होता है, उसको एनहांस भी करता है, और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि ये अगर हम देखें कि अमेरिकन भी इसमें शामिल हैं, इसमें रशियन भी शामिल हैं, चाइनीज भी शामिल हैं, अगर नहीं है तो इंडिया नहीं है, तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि तमाम दुनिया के जिनके आपस के सदियों के झगड़े हैं, अगर वो भी एक चेंज आई है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, वो चेंज है कि बड़ी कैनवस को देखना. और बड़ी कैनवस में क्या है? बड़ी कैनवस में ये है कि आप जमीन तो तंग होती जा रही है, वहां पे लड़ाइयां ना करो, और भले से भले मानस बन के ये समुन्द्र की जो लिंकेज है इसको सब इस्तेमाल करें. ठीक है सर, आपने एक चीज और बताई, इंडिया का हवाला दिया कि इंडिया की नेवी शामिल नहीं है. अभी इंडिया ने कह तो दिया कि रूटीन की एक्सरसाइज है, कोई बात नहीं, इसको चलने दें, लेकिन इंडिया में भी कोई नेवल ड्रिल स्टार्ट कर ली गई है, एक माह तक जारी रहेगी और कहते हैं कि बड़े पैमाने पर की गई है, तो ये कोई रिएक्शन है या वो भी कोई रूटीन की एक्सरसाइज? नहीं, देखिए जो एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और ओबामा के जमाने में हो गया था, जिसमें कि इंडिया जो है अपनी बेसिस जो है वो यूएस को देगा, जिसमें उनकी शोर बेस्ड बेसिस भी हैं, उनकी कोस्टल बेसिस भी हैं, और अमेरिकन अपनी जो बेसिस हैं नॉट ओनली इन यानी इंडियन ओशन, ऑल्सो जो कि अक्रॉस स्टेट्स ऑफ मलाका हैं,
उसमें फैसिलिटेट करेगा इंडियन यूनिट्स को भी फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्योंकि उसकी नजर में वो साउथ चाइना और जो सी का जो आइलैंड इशू है वो उसकी नजर में है कि अगर हमें रीजनल नेवी में सपोर्ट कर सकता है तो कौन कर सकता है, तो लॉजिस्टिक तो चाहिए होगी। इसलिए ये बहुत बड़ी गेम है, लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि कॉमन लिंकेज फैक्टर जो है वो सी पैक है, और मैं समझता हूं सी पैक को अगर पाकिस्तानी नहीं समझते कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और ये एक किस्म का पाकिस्तान के चार सूबों की जंजीर है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए जैसे हम इंडिया का हवाला आया, अब इंडिया के बारे में ये खबर जब से आई है पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रही है, अब ये बताइए कि ये जो न्यूक्लियर सिटी कायम कर लिया इंडिया ने खुफिया तौर पर, इसके बारे में आपके क्या तासरात है और इंडिया किन मकासद की तकमील चाहता है, क्योंकि दिफाई तौर पर तो मजबूत है ऑलरेडी इंडिया। देखिए कर्नाटका स्टेट में उन्होंने ये मरकज या सिटी जो है वो बनाया है, बुनियादी मकसद इसका ये है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की डेवलपमेंट है उसमें उसके साथ साथ मिसाइल सिस्टम की जो डेवलपमेंट होती है, और न्यूक्लियर में अगर उन्हें कभी हाइड्रोजन का फैसला कर लेते हैं तो उसके लिए एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके रिसर्च जो है जारी रखी जाए और वो जो है काम किया जाए। जहां तक इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना बड़ा मौजूद है कि जो दिफा की बात करता है पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ उसके लिए काफी है, लेकिन इंडिया का मकसद सिर्फ रीजन नहीं है, इंडिया एक ब्रॉडर एम के साथ चल रहा है। वो चाहता ये है कि जिस तरह जो पांच बड़ी ताकतें हैं उन्होंने एक वर्ल्ड लीडरशिप का क्लेम किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, उस लेवल पे जाने के लिए अब वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस जरूरत से आगे ले जा रहा है जिसको रीजन में तो अग्रेसिव या जारहाना समझा जाएगा, और बैन अल-अक़वामी सतह पर यह है कि जिस लेवल पे अगर अमेरिका ना सही तो कम से कम बरतानिया है, फ्रांस है जो परमानेंट मेंबर है, इनके लेवल पे जाना चाहता है, वरना इंडिया को इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल जिस पे आजकल काम वो कर रहा है उसकी तो कोई खास जरूरत नहीं है। वो 6000 से लेकर ऑनवर्ड किलोमीटर तक आगे जाता है, वो है ही एक उसको एक टिकट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है कि वो एक आलमी कुव्वत जो है वो बन सके, और इस वजह से ये इस तरफ हिंदुस्तान जो है वो जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि उसका जो मनफी असर है वो इलाके में ज्यादा पड़ता है। इलाके से मुराद नेक्स्ट डोर आपके पाकिस्तान है, बाकी दूसरे छोटे ममालिक हैं, ताकि उन पे भी अपना एक रोब बनाया जा सके। तो इस तरह एक तीर में दो शिकार करता है, एक तो अपने आप को आलमी कुव्वत बनाना चाहता है, जब अपने आप को आलमी कुव्वत बनाते हैं तो जाहिर है इलाकों पे तो वैसे ही छोटे मुल्क हैं, उन पे जो है वो रोब पैदा हो जाता है, तो मशकूक मकासिद हैं और अग्रेसिव डिजाइन है और ओवर एम्बिशियस एजेंडा है। बिल्कुल ठीक नाज़िम, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि सड़कों की क्या जरूरत है, हाँ चार्टर तैयारों पर उड़ने वालों को सड़कों की जरूरत नहीं है, मगर इस मुल्क के अवाम को इसकी जरूरत है, इन उन लाखों पख्तूनों को इसकी जरूरत है जो रोजगार के लिए कराची रहते हैं, बलोचिस्तान के उन गरीब लोगों को सड़कों की जरूरत है जो बीमार हो जाए तो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सकते, इन सड़कों की पंजाब के उन किसानों को भी जरूरत है जिन्हें अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाना है, इन सड़कों की सिंध के अंदर मजदूरों को भी जरूरत है, किसानों को भी जरूरत है। बदलती दुनिया बदलते हालात, दाखिली उमूर और बैरूनी ताल्लुकात, कौन बेहाल, किसकी जिंदगी बबाद,
नई मनसूबाबंदियां या खाबों के जाल, हुकूमती पॉलिसियां और मसाइल के हल की तलाश, किसकी दो किसके हाथ, करेंगे हम निशानदेही अवाम से ईवान तक और होंगे गैर जानबदार तजिए प्रोग्राम निशानदेही में समी कहा। हमारे मेहमान कई किताबों के मुसनिफ अकादमी अद्वियात पाकिस्तान के चेयरमैन मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद कासिम बगियो साहब हैं। इनकी पहली डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि ये मेरे दोस्त हैं। प्राइमरी के चौथे पांचवें दर्जे में लाइब्रेरी पर नजर पड़ी और किताबों पर नजर होने लगी और उसका ये असर हुआ कि आठवीं तक पहुंचते पहुंचते मैं खुद मुख्तलिफ रिसालों को खत लिखता था। आपका बचपन कैसे माहौल में गुजरा, इर्द गिर्द के लोग कैसे थे? हम तो बगैर लाइट के लालटेन और चिमनियों पे पड़े हैं। मेरे वालिद साहब बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। शादी से पहले वो चरवाहे थे, लोगों की भेड़ बकरियां मतलब भैंसे और गाय वगैरह चढ़ाते थे। ये डॉक्टर कासिम बुगियो के बड़े होने की निशानी है कि इस मुकाम और मर्तबे पर पहुंचे हैं और फिर कह रहे हैं कि मेरे वालिद चरवाहे थे। हमारे यहाँ गंदम की रोटी कोई बड़े दिन पर या ईद पर ही तैयार होती है, वरना आम तौर पे दोनों वक्त चावल की रोटी और रात को चावल खाते थे। बचपन में क्या सोचा था, क्या प्लान किया था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? प्राइमरी टीचर बनूंगा। वाह वाह वाह, ठीक है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी में टीचर बनूंगा। डॉक्टर साहब, आप लंदन कैसे चले गए तालीम हासिल करने के? दफ्तर में बैठा हुआ था तो फोन आया डीन का कि स्कॉलरशिप आई है, तुम बाहर जाओगे? अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, तो और कोई नहीं है तो तुम्हारा नाम भेज देता हूँ। तो इसी तरह उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मेरा नाम कहीं रिकमेंड कर दिया। मेरी शादी के दिन भी मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली थी। अच्छा। 2 बजे मेरी 2 क्लासें खत्म हुई तो मैं चेयरमैन के पास गया कि आपको तो कार्ड मिल चुका होगा, आप शादी में आएंगे, मैं जरा जा रहा हूँ, मुझे शादी कार इतनी रात नहीं आन असा का ये प्रीत पुरानी नतीय वार नौ वार ए सीर मुई आओ हली या तू ना है सही चंग चढ़ो चंद्र न देता ए सीर मुई आओ हली। वेलकम बैक नाजरीन। पीजे साहब आपकी तरफ आते हैं। अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि इंडिया कुछ मकासद हासिल करना चाहता है, कुछ एजेंडा है जिसके तहत ये काम हो रहा है। पहले से दिफाई तौर पर मजबूत है लेकिन मजीद मजबूत होना चाहता है, बजट खर्च कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है। ये बताएं कि जब हम दुनिया का जायजा लेते हैं तो आलमी बरादरी और खासतौर पर अमरीका, एक तरफ तो रूस के साथ अमरीका मुआहदा करता है कि जो एटमी असलहा है उसके जखायर को कम करना चाहिए हमें, ईरान को रोकते हैं कि एटमी असलहा वो ना बनाए, उसके साथ मुआहदा करना पड़ता है। इंडिया के लिए कोई कानून नहीं है, आलमी बरादरी इंडिया की एक्टिविटीज पे तशवीश का इजहार क्यों नहीं करती? देखिए, सबसे पहले जब हिंदुस्तान कुछ करता है हम उस पर रिएक्ट करते हैं। आपकी आर्म फोर्सेस कोई काम करना चाहती हैं तो यहाँ आपके पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं वो शोर मचा देते हैं कि डिफेंस में आप इतना पैसा लगा रहे हो, वहां वो ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। हिंदुस्तान ने आपको एक अननेसेसरी डिबेट में एम्ब्रॉयल किया हुआ है और इन कंट्रास्ट वो क्या कर रहे हैं, आप देखें, आपने कर्नाटका की बात की है, गोवा को देख लो, बैंगलोर को देख लो, दे आर द टॉप आईटी सिटीज इन द वर्ल्ड। आप यहाँ डिबेट किसी और में लगे हैं, वो अपने कामों में लगे हुए हैं, ठीक है, विद रिजल्ट कि हम यहाँ उनसे वो एक वो बैटबाजी कर रहे हैं और यू नो ना तीतर ना बटेर, वो मुल्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दे आर फोकस्ड। हमें हमेशा किसी को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, हमें किसी को इस तरह नहीं देखना चाहिए आंखें बंद करके, दे आर नो बडीज बट वी आर समबडी। अपने एवेन्यूज खुले रखें, तनकीद के निशाना खुद बने और उसके बाद समझें और सीखें कि हो क्या रहा है। अब हिंदुस्तान जो भी करेगा वो अपने इंटरेस्ट के लिए करेगा, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए नहीं करेगा, ना ही किसी और के इंटरेस्ट के लिए करेगा। जहां पास स्ट्रक्चर्स की बात आती है, आज आप देख लें कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जिसको वीजा नहीं मिलता था आज वो एक ब्लू आइड बॉय बन गया हुआ है, उसको इनवाइट भी उसको कर दिया हुआ है अमेरिका के अंदर। हमें क्यों नहीं किया? हम तो बहुत बड़े नॉन नेटो एलाई हैं अमेरिका के, हमें क्या मिला इसके साथ? टर्की इन रिटर्न, आप देख लें कि जब ये जंगें शुरू हुई हैं उसको 3 बिलियन
उसने उसे चार्ज किया टू द अमेरिकन नेवी टू यू नो फॉर द पैसेज ऑफ द नेटो फोर्सेस. आपको क्या मिला? तो हमने देखना कि अपना हमारा जो घर है इसको हम कैसे ठीक करें. ये अनफॉर्चुनेटली लुबना जो प्रॉब्लम आ रही है कि हम बड़े डिफोकस्ड हो रहे हैं एंड वी नीड टू गेट फोकस्ड बिकॉज आज आपके पास एक वो कहते हैं ना एक मुर्गी आ गई है जो कि सोने का अंडा देगी और वो है सीपेक. इस चीज को हमें बड़े वी डोंट वांट टू बी अ क्लाइंट स्टेट. लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस. ये नहीं है कि अब आप देखें कि लोग बड़ी नेगेटिव बातें शुरू कर दें जी अब तो चाइना आ गया है चाइना टाउन शुरू हो जाएगा ये हो जाएगा. नो लेट्स बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. What are we going to give to them? Okay. What are we going to supply? We've got to encash in this. Dekhe na? Aur ye policy of kaun banayega? Well, I hope the government is looking into it. ठीक है सर. ये भी बताइए, आपने कहा कि इंडिया तो अपना इंटरेस्ट देख रहा है लेकिन उसने फोकस किया और हमें एक डिबेट में उलझाया हुआ है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू भी एग्जिस्ट करता है कि इंडिया जो इतना बड़ा बजट खर्च करता है डिफेंस पे और इस तरह की एक्टिविटीज पे, ये उसको अपने आवाम पे खर्च करना चाहिए, वो अपने लिए भी कोई अच्छी डिसीजन नहीं ले रहा. देखिए अगेन हम कहते हैं आवाम पे, वो कहते हैं हु आर यू टू टेल अस कि आवाम पे खर्च करें. दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम. तो देखो हिंदुस्तान की जब हम पॉलिसीज देखते हैं तो उसकी वो पाकिस्तान स्पेसिफिक पॉलिसीज नहीं है. उनकी पॉलिसीज चाइना है, रशिया है. रशिया के साथ एक दफा कोल्ड ऑफ हुआ था. मैं तो 71 की वॉर में मुझे याद है कि आई वाज फाइटिंग हियर इन गंडा सिंह वाला. हमें तो पता नहीं था कि SU-7 इधर आए हुए हैं. SU-7 उस वक्त उन्होंने रशियंस ने दे दिए थे इधर और वो इस तरह फ्लाई कर रहे थे लाहौर के ऊपर से कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते. बट हैविंग सेड सो आज वो एक बड़े एलआई बन गया. ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए न्यूक्लियर सिटी बना लेता है इंडिया और डिफेंस बजट बहुत ज्यादा उसका हो जाता है, असलहे के अंबार लगा दी जाते हैं, इंडिया पे कोई कानून दुनिया का कानून लागू नहीं होता? ये देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है कि मैं तो ये समझता हूँ कि पाइल अप जितना भी असला कर लें, रशिया ने भी बड़ा असला इकट्ठा कर लिया था. अगर आप देखें ना हिस्ट्री में तो जो ब्रेजनेव था ना उसने रेस लगाई थी रेगन और बल्कि वहाँ रेगन में जो हॉक्स थे उस वक्त पेंटागन में वो ये कहते थे कि आप रेस लगाएं, रशिया जो है वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता. लेकिन रेस लगाई, बहुत सारा असला पाइल अप कर लिया, तो उसके बाद नतीजा क्या निकला? तो इसका मतलब ये है कि बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी जरूरी होते हैं. मसलन ये कि आप बड़ी बड़ी बातें करें, आपके आसपास जो चार पांच मुल्क हैं छोटे बड़े पाकिस्तान समेत चाइना समेत उनसे आपकी दोस्ती नहीं, आप जा रहे हैं अमरीका दोस्तियां करने, तो उन्होंने तो उधर ही रहना है. तो इसी तरह बड़ा बनने के लिए मसलन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट चाहिए, तो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट किसको दी जाती है? कि जो बड़ेपन का मुजाहरा करे, प्रैक्टिकली दिखाए. जैसे जर्मनी है, यूरोप ने उस यूरोप में बड़ेपन का मुजाहरा किया जर्मनी. अभी तक यूरोपियन यूनियन जो कायम है वो जर्मनी की वजह से कायम है. अभी आप देखें सारी दुनिया, इवन ट्रंप उसको मना करने गया कि जी एंगेला मर्केल को क्रिटिसाइज किया कि आपने 20 लाख क्यों ले लिए हैं ये इमिग्रेंट्स, लेकिन उन्होंने लिए, उनको सेटल कर रहे हैं. तो बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं. तो इंडिया जो है वो छोटी छोटी बातों से और छोटे छोटे झगड़ों से, जैसे कश्मीर पे ही आप पिछली दफा बात कर रहे थे, तो आप 70 साल हो गए हैं कश्मीर वालों को जो है पॉपुलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सका किसी तरीके से. तो इंडिया को मैं समझता हूँ कि जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी पाइल अप कर ले. पहले तो आप ये बात देखें कि नेहरू की अभी बात हो रही थी, नेहरू की जो बायोग्राफी लिखी है स्टैनली वॉल्कॉट ने, उसमें लिखा है कि जब चाइना के साथ जंग हुई थी ना 62 की, तो लाखों चाइनीज उनके पकड़ के ले गए थे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और एक चाइनी भी उनके हाथ नहीं आया था इंडिया के. तो कहते हैं कि नेहरू को डिप्रेशन हो गया था. ठीक है, तो फौज तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा थी. ओके, असला भी था, सब कुछ था. ठीक है एडमिरल साहब, इसका मतलब ये है कि हमें कोई तश्वीश की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को? एक तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान अपना दिफा करने की सलाहियत रखता है, लेकिन अगर इंडिया इस तरह की एक्टिविटीज करता है तो पाकिस्तान को कोई तश्वीश होनी चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये दोनों पीजे मीर साहब ने जो फरमाया और डॉक्टर साहब ने फरमाया. देखिए बात ये नहीं है, हमें कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन कंसर्न कैसे होता है? मसलन अगर मैं अपने आप को अभी इतना मजबूत ताकतवर और जाके मैं दंड बैठ के निकालूं कि मैं एक बहुत बड़े पहलवान को मार सकता हूं, तो बच्चे को तो मैं मार ही सकता हूं. लेकिन अब आपको ये जो है कि जी जैसे पीजे मीर साहब फरमा रहे थे कि उनको एम है चाइना, उनका एम है ये, लेकिन बात यह है कि रशिया के
पास 465 न्यूक्लियर वॉरहेड थे जिस दिन टूटा है। तो क्या हुआ? तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक फरमा रहे हैं कि उनको पाकिस्तान की लड़ाई के लिए तो ये चाहिए नहीं। अगर वो चाइना से लड़ना चाहते हैं तो चाइना तो वो नेक्स्ट डोर नेबर है, अमेरिका तो उधर भाग जाएगा, तो चाइना तो वही मौजूद है। और चाइना में 62 में जब इनके साथ लड़ाई हुई थी तो जो वेपन्स पकड़े थे इनके, उनको चमका के पॉलिश करके इनको वापस दिया था। ये तो भला हो अयूब खान का कि 62 की जो अपॉर्चुनिटी थी हमारी कश्मीर लेने की और हमने वाशिंगटन के कहने पे इनको टच नहीं किया। लेकिन देखिए जो इन्हीं के अपने एक राइटर जो आजकल आए हुए हैं कराची में, कुलकर्णी साहब, जो उनका मशवरा है कि हम ये अगर बड़ापन होता इंडिया में तो वो कश्मीर को एज ए ब्रिज इस्तेमाल करते हुए इस रीजन की जो है इसलाह, इस रीजन की वेलफेयर चाहता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए, और जो आपने फरमाया था कि दुनिया ने आंखें क्यों बंद की हुई हैं, देखिए दुनिया ने आंखें बंद की क्योंकि बेसिकली ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो है। अब आप ये देखें कि इन्होंने आप ये जो पुतिन है या ट्रंप है वो दोनों आपस में हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं किसके खिलाफ? वो जो है ISIS के खिलाफ, और ISIS जो है वो एक नाम है। लेकिन इसी तरह आप देखें कि एक तरफ इसराइल है, इस्लामिक रीजन जो है, एक तरफ इसराइल है, एक तरफ इंडिया है, तो दे हैव सैंडविच्ड इस्लामिक ब्लॉक इन दीज टू पावर्स, और वो किसी वक्त भी किसी एक को यूज कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने ईरान का हवाला दिया या जैसे इराक का एटमी प्रोग्राम खत्म किया थ्रू इसराइल। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इतने अनकंसर्न नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए ज्यादा जरूरी वो है जो पीजे मीर ने कही कि अपना घर देखें, अपने घर को मजबूत करें, आपस की ये रंजिशें खत्म करें, और हमें जो है इकोनॉमिकली जो है वो मजबूत हो, तो फिर हमें माशाल्लाह यहाँ के कौम के जज्बे की हमें वो तो सारी दुनिया जानती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए जब से ट्रंप ने इक्तदार संभाला है, एक तो उनका टिल्ट बहुत ज्यादा नजर आता है इंडिया की तरफ भी, इंतखाबी कैंपेन में भी जिक्र करते रहते थे, उसके बाद भी हम देखते हैं उनका टिल्ट है, दूसरा खासतौर पर मुसलमान ममालिक के बारे में जो रवैया उन्होंने अख्तियार किया, इससे क्या इंडिया को, मोदी साहब को मजीद शह मिलेगी? जैसे कि एडमिरल साहब ने कहा कि हमें अपना घर देखना चाहिए, मुस्लिम ममालिक को कोई मिलकर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इन बदलते हुए हालात के हवाले से? देखिए हिंदुस्तान की अहमियत अमेरिका की पॉलिसी में है, पाकिस्तान की अहमियत है वो किसी और हवाले से, पाकिस्तान की अहमियत है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, और इंडिया की अहमियत ना सिर्फ काउंटर टेररिज्म है बल्कि अमेरिका का जो गेम है एशिया पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, उसमें भी उसकी रेलेवेंस है, फिर MNCs की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में बहुत ज्यादा है, और फिर आउटसोर्सिंग इंडिया में बहुत हुई भी है, और सबसे अहम यह है कि ट्रंप के अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंडिया के अंदर मौजूद है, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी और दूसरे रीजंस की वजह से इंडिया को अहमियत जो है वो हमें मिलती हुई नजर आती है। जहां तक मुसलमान ममालिक का ताल्लुक है, मुसलमान ममालिक ज्वाइंट स्ट्रेटजी कागजों से आगे नहीं बना सकते, एक रेजोल्यूशन जरूर पास कर सकते हैं OIC का, लेकिन अमली तौर पर ये तो आपस में डिवाइडेड है। अब देखें ना, 7 मुल्कों पे पाबंदियां लगी, उनमें से कुछ जो दूसरे ममालिक थे उनमें से कुछ ने कहा ये सही किया है, पाकिस्तान ने भी एक इस पे बयान दिया है दरमियाना सा, और एक ज्वाइंट स्टेट एक स्टैंड नहीं ले सके हैं, ना ही वे ले सकेंगे क्योंकि इनकी आपस में भी ये चीजें रहती हैं। तो पाकिस्तान को ये ठीक है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे आप ये इशू रेज करें दूसरे मुस्लिम ममालिक से, और दुनिया के अंदर भी हिंदुस्तान के मामलात हैं, लेकिन असल जो है वो ये है कि अपनी अंदर की जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी स्ट्रेंथ है हमें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, ताकि हम अपने जो मुफादात हैं, ये जिस चीज को हम कौमी मुफाद कहते हैं, उस कौमी मुफाद को चाहे इंडिया कुछ भी करे, हम उस कौमी मुफाद की हिफाजत करते हैं। ठीक है डॉक्टर, ये भी बताइए कि जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर सिटी अगर बन रहा है हमारे हमसाया मुल्क में, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, और दुनिया में कौन से ऐसे फोरम है जहाँ पे पाकिस्तान को जाना चाहिए? देखिए इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, ये इंटरनेशनल लेवल पे इस इशू को रेज करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक कैंडिडेट है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए, और आमतौर पे जो वो ममालिक जो उसके इस वक्त मेंबरान हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को
मजीद एक्सपेंड नहीं कर रहे, प्रोग्राम तो उन पांच मुल्कों के पास है लेकिन वो मजीद एक्सपेंड नहीं कर रहे, तो ये इशू रेज करना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो एक्सपेंड किया जा रहा है ये उन बुनियादी नुकात की इसकी खिलाफ वर्जी करता है जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बुनियाद है और जिसकी बुनियाद पे ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 70s के अंदर जो है वो कायम हुआ था। तो इस इशू को जो है वो रेज करना चाहिए। दूसरा ये है कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मॉनिटरिंग जो है जो कि की जाती है वो करते रहना चाहिए ताकि हमें ये पहले से अंदाजा हो कि इंडिया अगर जा रहा है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसके लिए जो पाकिस्तान के ऑप्शंस हैं उसको हमें कितना करना है, आगे ले जाना है नहीं ले जाना है, क्योंकि हमें मैचिंग की जरूरत नहीं होती कि अगर हिंदुस्तान के पास एक चीज है तो हमारे पास भी हो। एक हमारे जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये असेसमेंट करनी होती है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, उस बुनियाद पे आप फैसला करें, लेकिन हिंदुस्तान से मैचिंग की हर चीज की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। पीजे साहब, एक मामला जिस पे हम अक्सर प्रोग्राम में जिक्र भी करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में या मुसलमानों के बारे में तो कह दिया जाता है कि इंतहा पसंद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया में इंतहा पसंदाना रवैये बढ़ते हुए नहीं नजर आ रहे। मसलन मोदी साहब को अगर देखें तो उनकी इंतखाबी कैंपेन और उनका एजेंडा देखें, एक इंतहा पसंद शख्स को जिसका एजेंडा बिल्कुल वाजे था, लोगों ने वोट दिया, उनको अपील किया, उन्होंने उनको मुंतखब कर दिया। ट्रंप साहब की इंतखाबी कैंपेन देखें, इंतखाबी एजेंडा देखें, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क के लोगों ने उनको वोट दिया, इसका मतलब ये कि दुनिया में एक्सट्रीमिज्म जो है वो मौजूद और बढ़ रहा है और लोगों को अपील भी करता है। ये अब आप इलेक्टोरल प्रोसेस को देखें, जो ट्रंप को वोट मिला है वो पॉपुलर वोट नहीं है, पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन को मिला है। इसको इनडायरेक्ट जो उनकी जो उनका इलेक्टोरल सिस्टम है वहां से ट्रंप अंदर आया है। एज फार एज मास्टर्स आर कंसर्न्ड, नो, आपने देखा नहीं कि जब वो आया भी एज प्रेसिडेंट बन के भी, द लुक एट द अमाउंट ऑफ रिजेंटमेंट आउटसाइड, पॉपुलर रिजेंटमेंट है वहां, लेकिन वहां डेमोक्रेसी है। आपने देखा जिस तरह ये जो सात मुल्कों की बात आई, फिर इमिग्रेशन की बात आई, इंसिडेंटली ये सात मुल्क जो है ये UAE में भी बैन है, ये लोगों को नहीं पता, दे आर नॉट अलाउड टू गो टू दैट कंट्री, दे आर नॉट वेलकम इन दैट कंट्री। अब कहीं आपने अमेरिका को पकड़ लिया हुआ है, अमेरिका अपनी पॉलिसी देखेगा, जब वो शोर करता है अमेरिका फर्स्ट, गुड गुड फॉर हिम, हमने पाकिस्तान फर्स्ट अपना देखना है, उसने अमेरिका फर्स्ट देखना है। अब बात आती है न्यूक्लियराइजेशन की। इंडिया अपने जो भी पॉलिसीज लेके आएगा, चाइना के साथ जाता है, रशिया के साथ जाता है, कहीं और जाता है, लेकिन इसने हमेशा एक लाइन टो करनी है ऑफ अंकल सैम। ये अंकल सैम के बगैर ये भी नहीं जिंदा रह सकता, हम भी नहीं है, हम दोनों टूल्स हैं, ये टूल्स एंड पास स्ट्रक्चर्स हैं, टुडे वी आर गुड, टुमारो दे आर गुड, सो इस पे आप चलते रहो। प्रोफेसर साहब की बड़ी अच्छी बात है, भाई जो वो कर रहे हैं उनको आप करने दो, हमने तो अपने आप को देखना है ना कि वॉट इज गुड फॉर अस। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ आता है कि ये आपको ऐसी लाइन पे, जब आपने ये शुरू किया कि जी कर्नाटक के में क्या करें, तो अब हम क्या करें, हम भी एक न्यूक्लियर सिटी शुरू कर दें, हम भी कर दें, व्हाई डू वी वांट टू गेट इनटू दैट एक्सपेंस, रादर आई वुड सजेस्ट कि भाई गेट इंडिया ऑन बोर्ड। अगर इंडिया की कल ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है और इनका एक क्लैश हो भी जाता है, एक न्यूक्लियर आप कह लो कि एक इनकी हो जाती है एक कन्फ्रंटेशन, तो फर्क किसको पड़ेगा, हिंदुस्तान को नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान तो उसके वो कहते हैं ना झोंके के अंदर, वो वैसे ही लिपटा जाएगा, वी आर द सेम टेरेन, सो इन दैट इन अ बिगर यू नो सर्कमस्पेक्ट, आई थिंक वी शुड बी गेटिंग मोर नियरर टू इंडिया एंड टॉकिंग टू इंडिया, रादर कि हम आपस में वो कहते हैं ना रूसी दुल्हन बने हुए हैं, कभी वो हमें ब्लेम करता है, कभी हमें करते हैं। पर सबसे बड़ी जो चीज है इस वक्त हिंदुस्तान जो हम पे प्रेशर डाल रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका लॉबीज़ बड़ा तकड़ा है, उनका लॉबीज़ इतना तकड़ा है, हमारा लॉबीज़ जो है वो कोशिश भी करता है, तो आपके जैसे यहाँ पॉलिटिशियंस हैं वो जी देखो पाकिस्तान का पैसा खा गए, मीडिया का कितना रोल है, हम तो खुद ही अपने आप को गिराने पे लगे हुए हैं ना, हम तो खुद ही उसको चीज को हाईलाइट करते हैं। देखो जब एक लॉबीस्ट जाएगा नो मैटर व्हाट गवर्नमेंट इट इज, वो पाकिस्तान के लिए काम करेगा, सो ही विल बी वर्किंग इन द स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन में जाएगा, इधर उधर जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा, एंड ही विल गो इन EU में भी जाएगा वो। बट द क्वेश्चन इज, आप यहाँ जब भी कोई जाता है आप हिसाब किताब खोल देते हैं, वो देखिए उसका इतना खर्चा हो गया, इसका इतना, आई हैव नेवर सीन दिस सॉर्ट ऑफ अ नॉनसेंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बड़ा क्वाइटली काम करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, एंड दैट इज हाउ नेशंस आर बिल्ट। हम क्या करते हैं,
आप अपनी ISI को उसमें पार्लियामेंट में लाके उसकी इंक्वायरियां शुरू कर देते हैं। मैंने तो आज तक CIA को नहीं देखा, ना ही किसी और को देखा है, इस तरह की चीजें। आई मीन ब्रिगेडियर एडमिरल साहब आपको बताएंगे, हम खुद ही अपने सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन पे लगे। ठीक है प्रोफेसर, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा कि बेहतर यह कि इंडिया के साथ बातचीत कीजिए, उसको ऑनबोर्ड किया जाए, उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई क्लैश होता है तो पाकिस्तान का इंडिया का दोनों का ही नुकसान होगा। तो ये बताएं कि वो तो कह रहे हैं मुजाकरात करें, और पाकिस्तान की तो पॉलिसी रही है खैर सिगाली के पैगाम दिए जाते हैं, मुजाकरात की बात की जाती है, वहां से पानी बंद करने की धमकी दी जाती है, एटमी शहर कायम कर लिया जाता है, पाकिस्तान क्या करे और कैसे मुजाकरात करे। बड़ी अच्छी बात की है, सारे हमारे दोस्त बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। निगोशिएशंस तो होता है, हल निगोशिएशंस भी होता है। आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, इसी तरह यूरोप में सात साल जंगें हुई, तो फैसला तो फिर निगोशिएटिंग टेबल पे होता रहा। तो निगोशिएशंस तो कोई नेमल बदल नहीं है इसका, लेकिन यह है कि प्रिपेयर्डनेस जो है वो भी अपनी रखनी चाहिए, डिटेरेंट जिसे कहते हैं वो भी रखना चाहिए। तो हमारे पास कोई ऐसी घाटे वाली चीज नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स आप देखें कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो दी गई है न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स ने, पाकिस्तान का डिलीवरी सिस्टम, पाकिस्तान के एटॉमिक वो मिसाइल ये वो सब कुछ ठीक है। और अभी बात की गई एजेंसीज वगैरह, आई क्वाइट एग्री विद हिम कि मसलन CIA जो काम करती है वो, और बल्कि वो ये भी कहते हैं कि जो जनरल होता है ना उनका, जो अमेरिका की कमांड्स हैं वेरियस कमांड्स साउथ ईस्ट एशिया और इधर मिडल ईस्ट में, तो वहां का जो जनरल होता है उसकी बात मानी जाती है। प्रेसिडेंट भी आप देखें ओबामा ने, उन्होंने कहा जी हमने ट्रूप्स निकालने हैं, तो वहां का जो मैन ऑन द स्पॉट था बॉस एंड चीफ जनरल था, उसने कहा नहीं निकालने नहीं है, मुझे तो इतने ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इनकी बात तो माननी चाहिए। बाकी ट्रंप की बात हुई, ट्रंप जो है वो आप देखें कि उसने छोटे छोटे काम शुरू किए ना, तो अभी तक वो घर के अंदर ही फंसा हुआ है। यही हमारा मशवरा इंडिया का होता है कि आप छोटे छोटे ट्रंप, मतलब वो ऑर्डर ही लिखता रहता है, पहले एक ऑर्डर लिखा, प्रोटेस्ट हो गया, छोटी अदालत में गया, बड़ी जगह सर्किट कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में जाना था तो वो डर गया कि आप दूसरा ऑर्डर लिखते हैं। तो अगर क्या अच्छा ना होता कि पहले जो बॉर्डर वो जो सिक्योरिटी है उसकी और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनसे कहता कि भाई हमारा मकसद ये है, आप हमें कोई पॉलिसी बना के दें। वो पॉलिसी जो है वो पढ़ पढ़ के सुना रहा है कि जी ये ग्रुप ऑफ एलियंस और एलियंस जो है वो पूरी कौम और पूरे मुल्क और सात मुल्क एलियंस तो नहीं होते। कहता जी बैड बॉय जो हाई स्कूल का है उसको भी पता क्या लिखा है, जजों को नहीं पता। तो वो छोटे छोटे कामों में पड़ गया, और ये जब तक छोटे छोटे कामों में पड़ा रहेगा इसी तरह इसकी पॉपुलैरिटी डाउन होगी। आपको पता है ना कि सबसे ज्यादा जो है कम पॉपुलर ये प्रेजिडेंसी जो स्टार्ट की है वो है, आज भी उसका स्टेटस वही है। तो इंडिया को भी यही मशवरा है कि बड़े बड़े काम करें, और ये जो छोटे छोटे बातें, जैसे चाइना है, चाइना लेसन दे रहा है सारी दुनिया को, सारी दुनिया को इनवाइट कर रहा है कि आओ कम ऑन बोर्ड, आप फायदा उठाएं सारे मिले। अजी सर, ये जो ट्रंप साहब हैं या मोदी साहब हैं, इनका जो हमें बिहेवियर नजर आ रहा है, पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए इंडिया से और अमेरिका से डील करने के लिए? मैं जो समझता हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की पॉलिसी है वो ये, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारे पहले इदारे मजबूत होने चाहिए। हम शख्सियात के ऊपर हम खुदा के IG बना लेते हैं, अल्लाह मियां के IGs को जरा आप परे करें, और जो हमारे इदारे हैं चाहे वो अदलिया है, वो पार्लियामेंट है, वो फौज है, उनको अपने अपने दायराकार के अंदर रहने दें। देखिए इंडिया का मोदी का प्रॉब्लम जो है वो ओवर रिएक्शन है। मोदी बिलोंग्स टू ए कैटेगरी जिसको आप वास्प कहते हैं, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट की कैटेगरी से है। उनको मुसीबत ये पड़ी है, वो कहते हैं देखें दुख भरे भी फाख्ता कौवे मौज उड़ाएं, भाई फता हमने अमेरिका किया और ये काले लोग आगे उसकी खीर खा रहे हैं। लेकिन मोदी का प्रॉब्लम ये नहीं है, मोदी का प्रॉब्लम ये है दे आर यूजिंग पाकिस्तान टू कीप इंडिया टुगेदर, बिकॉज वो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुबतला है। उनके ऊपर मोहम्मद बिन कासिम से लेके अब तक का जो बोझ है वो जो है वो उन्होंने उसको परे करना चाहते हैं, वो परे हो नहीं रहा है, इसलिए दे आर यूजिंग। डू यू थिंक कि अगर जो है जैसे एक दफा प्लान था कि ये एक कॉन्फेडरेशन बने तो हु चेंज इट, तो खुद इंडिया, नेहरू ने उसका जो है बुरा हासिल किया था ना। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि वो
अपनी पाकिस्तान की दुश्मनी को अपने मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए इस्तेमाल करता है, ये मोदी की कंपल्शन है। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि जैसे अभी डॉक्टर कल्ब आबिद ने भी हवाला दिया रशिया के बारे में बात की, तो हम देखते हैं एक तकोन बनती नजर आ रही है चाइना, रशिया और पाकिस्तान, इन तीनों के जो ताल्लुकात हैं बामी, ये किस तरह से हमारे जो दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं उन पे असर अंदाज होंगे या हमारे मसाइल हल करने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान को अपना डिप्लोमेटिक नेटवर्क एक्सपेंड करने की अपॉर्चुनिटी है। रशिया पिछले 2 साल से हमें बड़े वाजे सिग्नल्स दे रहा है और पाकिस्तान और रशिया में गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन अमली इकदाम अभी तक कागज से आगे नहीं गए हैं। उन्होंने कुछ ऑफर्स किए हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं पहुंची है। अव्वल तो जरूरत इस बात की है कि इसको मजबूत करने के लिए अमली इकदाम की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। फिर ये है कि चीन और रूस जो हैं इस वक्त दिलचस्पी ले रहे हैं अफगानिस्तान के मामले को तय करवाने में। मेरा ख्याल है कि ये अब चीन के साथ और रूस के साथ मिलकर अफगानिस्तान के मामले को तय करवाना, उनके अंदरूनी खलफशार को कम करवाना, उसमें पाकिस्तान को कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये अफगानिस्तान का अंदरूनी खलफशार चलता रहेगा, वहां तालिबान अफगान तालिबान के झगड़े हुकूमत के साथ काबुल के साथ चलते रहेंगे, उसका जो नेगेटिव फॉल आउट है पाकिस्तान पे, चाहे मिलिटेंसी की सूरत में हो चाहे वो रिफ्यूजीज की सूरत में हो, वो चलता रहेगा। तो अगर अफगानिस्तान डिफ्यूज हो जाता है इन दो बड़े ममालिक चीन और रूस के तावुन से, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं इस वक्त वो पहले से ज्यादा वसी होंगे और पाकिस्तान के लिए लाजिम है इस स्टेज पे अपने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को बढ़ाए। उसका मतलब ये हुआ कि आपके जो इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं और आपकी लॉबिंग का जो इशू है, जो अभी पीजे मीर साहब ने भी कहा कि जो अमरीका के अंदर अमरीका ओपन डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वहां लॉबिंग का बड़ा अहम रोल है, उस तरफ हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से तवज्जो देनी चाहिए, तभी हम उस प्रेशर को डिफ्लेक्ट करेंगे जो प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान पे नजर आता है। ठीक है सर, मुख्तसर ये भी फरमाइए कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना किस कदर जरूरी है दुनिया से अपनी बात मनवाने के लिए, और इस सारे में सीपैक कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए इकोनॉमिक तो बुनियादी हैसियत रखती है, इसलिए कि अगर आप दूसरे मुल्कों की खैरात पे जिएंगे ना तो दूसरे मुल्क आपके कान भी मरोड़ते रहेंगे, लिहाजा जरूरत इस बात की होती है कि अंदरूनी तौर पर इक्तसादी तौर पर आप मजबूत हों। दूसरा ये है कि रीजनल लिंकेजेस, अब दूसरे मुल्कों से इकोनॉमिक लिंकेजेस हों। सीपैक की जो बात करते हैं, सीपैक एक इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं और इससे चाइना और पाकिस्तान में इंटरडिपेंडेंस पैदा होती है, जहां पाकिस्तान को इसका फायदा है चाइना के लिए भी सीपैक जो है वो बड़ी अहम है। तो मेरा ख्याल है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए तवज्जो पूरे तरजीह की बुनियाद पर, और उसके अलावा दूसरे ममालिक से भी मुस्बत इक्तसादी रेलेवेंस पैदा करें ताकि पाकिस्तान की हैसियत पहले से मजबूत हो जाए। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा खत्म हो गया। प्रोफेसर डॉक्टर कल्ब आबिद साहब, एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, पीजे मीर साहब, आप सबका शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।